हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चन्ना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। टीजीटी लाइव मैथ क्लास के अंतर्गत आज मैं लेक्चर दूसरा लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले आपने लेक्चर फर्स्ट में जो मैंने टॉपिक रखा था सिमिलरिटीज ऑफ प्लेन लीनियर फिगर, समतल आकृतियों की समरूपता, यहां से आपके ज्यामिति सेक्शन का एक अभिन्न हिस्सा है जो टीजीटी पाठ्यक्रम में आपके दिया गया है। फिलहाल अभी मैं इसके बेसिक फैक्ट को क्लियर करा रहा हूं। इसके पहले के क्लास में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को जब एक ही ओर आगे बढ़ाया जाए तब क्या कंडीशन होता है, और जब किसी त्रिभुज की एक ही भुजा को दोनों ओर से आगे बढ़ाया जाए तो इनके बहिष्कोणों का योगफल क्या होता है, और यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही ओर क्रमानुसार आगे बढ़ाया जाए तो इसके बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है। इन सभी पॉइंट के बाद मैंने आपको यह बताया था कि किसी त्रिभुज में दो कोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है, और उसके बाद मैंने उसी किसी त्रिभुज में दो कोणों के बाह्य समद्विभाजक से बताया कंडीशन। तो अब उसी श्रृंखला में आप पॉइंट ध्यान देना जो मैंने अभी नोट डाउन किया हुआ है, ये भी एक बेसिक फैक्ट के अंतर्गत है लेकिन महत्वपूर्ण है, एप्लीकेशन इसका प्रयोग आपके कॉन्सेप्ट में होता रहता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। किसी त्रिभुज के एक कोण के अंतः समद्विभाजक तथा दूसरे कोण के बाह्य समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है, यह कॉन्सेप्ट है। अब इसका थोड़ा व्याख्या देखिए, डेरिवेशन देखिए कि यह कैसे होता है, कैसे ट्रीट करता है, आपको इस पॉइंट को समझना। जैसे ये कोई त्रिभुज है एबीसी, जी मैं कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, ध्यान देना। जैसे यहां पर ये कोई त्रिभुज है और ये त्रिभुज है ए बी और सी। अब यहां पर हमें पॉइंट ये समझना है, हमें इस त्रिभुज में एक कोण का अंतः समद्विभाजक लेना और दूसरे कोण का बाह्य समद्विभाजक। जैसे यहां पर ध्यान देना, मैं यदि कोण बी का अंतः समद्विभाजक लूं, कोण बी को मान लिया हम अंदर से समद्विभाजित करें अंदर से, और कोण सी को बाहर से समद्विभाजित करें, तो पहले यह ध्यान देना ये कोण सी है और कोण सी का ये अंतः कोण है, कोण सी का ये अंतः कोण है, तो कोण सी का बाह्य कोण इधर आएगा, ये कोण सी का बाह्य कोण होगा, और ये जो बाह्य कोण होगा ये कितना होगा, ये 180 माइनस कोण सी होगा। ये कैसे होगा आप सभी जानते हैं, एक अंतः कोण और एक बहिष्कोण का योगफल सदैव कितना होता है 180। जैसे अंदर वाला कोण यदि 80 डिग्री है तो ये बाहर वाला कोण 100 डिग्री होगा, एक अंतः कोण और एक बाहर कोण का योगफल 180। तो यदि अंदर वाला कोण C है तो ये बाहर वाला कोण ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस कोण C। अब बात समझिएगा, जैसे मान लिया मैं कोण B को अंदर से समद्विभाजित करूं, अंदर से मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, और कोण सी को बाहर से समद्विभाजित करूं, कोण सी को कहां से ये बाहर से समद्विभाजित करूं कि कहीं न कहीं जाके अवश्य मिलेंगे, मान लिया ये किस बिंदु पर मिले हैं, पी बिंदु पर। अब बात समझिएगा, हमने कोण बी को अंदर से समद्विभाजित किया तो इधर वाला कोण हो जाएगा कोण बी बाई टू। अच्छा, इसी तरीके से कोण सी को जब बाहर से समद्विभाजित करेंगे, हालांकि ये कोण सी है और ये इसका बाह्य कोण जो होगा ये 180 माइनस कोण सी होगा, ये पूरा का पूरा एक्स बात पहले आप नंबर डेटा पर समझिए। जैसे अंदर 80 डिग्री होगा तो ये बाहर पूरा कितना होगा 100, और जब बाहर को समद्विभाजित कर देंगे तो इधर 50 हो जाएगा इधर भी 50। कहने का मतलब ये पूरा 180 माइनस कोण सी है, तो जब इसको हम बाहर से समद्विभाजित करेंगे तो ये 180 माइनस कोण सी बाई टू हो जाएगा, मतलब 180 का आधा कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा 90, और माइनस ये कोण सी का आधा कितना हो जाएगा कोण सी बाई टू। अब
अच्छा यही यहां भी होगा, 90 माइनस कोण सी बाई टू आपका इधर भी आ जाएगा। अब हमने त्रिभुज लिया बी पी और सी, अब बात समझिएगा, हमने त्रिभुज कौन सा लिया बी पी और सी, इसका हम डेरिवेशन समझ रहे हैं। चलिए त्रिभुज बी पी सी में हम सभी जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये जो बी पी और सी है इसके तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होगा, तो इधर वाला कोण कितना है, कोण बी बाई टू है, कोण कितना है बी बाई टू है। और ये देखिए ये कोण बी बाई टू है और ये कोण थीटा है हमें निकालना ही है, ये दूसरा कोण। और तीसरा कोण जो होगा मतलब पी सी और बी ये पूरा ये सीक्वेंस बनेगा, तो ये पूरा जब इतना लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कोण सी हो जाएगा और प्लस 90 माइनस कोण सी बाई टू, मतलब प्लस कोण सी और प्लस 90 माइनस कोण सी बाई टू, इसका योगफल कितना आएगा 180 डिग्री। बात समझ है ना, ये पूरा कोण कितना होगा, इधर कोण सी है और इधर 90 माइनस कोण सी बाई टू, क्योंकि हमने बी पी और सी लिया है तो ये कोण बी बाई टू है, ये थीटा है और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कोण सी और प्लस 90 माइनस कोण सी बाई टू, इसका योगफल 180 होगा। अब इसी को हल करें तो अब बात आप समझिएगा, कोण बी बाई टू प्लस देखिए कोण सी में से कोण सी बाई टू घटाएंगे तो ये प्लस कोण सी बाई टू आएगा और प्लस थीटा बराबर कितना 90, ये 90 कैसे होगा, ये प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस। अब बात समझिएगा, कोण बी बाई टू पहले से और कोण सी में से जब कोण सी बाई टू घटाएंगे तो कोण सी बाई टू पॉजिटिव आएगा और प्लस थीटा है और ये प्लस 90 उधर आएगा तो माइनस। अच्छा इसका हर बराबर है तो ये कोण बी और प्लस कोण सी मैं लिख सकता हूं और प्लस थीटा बराबर 90। अच्छा बात समझिएगा, कोण बी प्लस कोण सी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस कोण ए, कैसे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये 180 होता है, तो कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 180 माइनस कोण ए। तो अब कोण बी प्लस कोण सी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस कोण ए और पूरे पर बटे दो और प्लस थीटा बराबर कितना 90। अच्छा 180 का आधा कितना होगा, 180 का आधा कितना हो जाएगा 90 और माइनस कोण ए बाई टू और प्लस थीटा बराबर कितना आया 90, तो आप ये 90 से 90 कैंसिल कर दीजिए, इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया माइनस कोण ए बाई टू उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोण ए बाई टू। अब बात समझिएगा, आपने प्रमेय में ये लिखा है कि किसी त्रिभुज के एक कोण के अंतः समद्विभाजक और दूसरे कोण के बाह्य समद्विभाजक द्वारा जो कोण बनेगा वो तीसरे कोण के आधे के बराबर होगा। जैसे हमने कोण बी को अंदर से समद्विभाजित कर दिया और कोण सी को बाहर से समद्विभाजित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो कोण बनेगा, ये थीटा जो कोण बनेगा, ये इस कोण के आधे के बराबर होगा। मतलब यदि ये 60 डिग्री है तो ये 30 होगा, यदि ये 90 है तो ये क्या होगा 45। अब ये पॉइंट आपने समझ लिया है तो अब इस पर देखिए जो प्रश्न बनते हैं ये बेहद सिंपल नेचर के होंगे। जैसे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, हालांकि प्रश्न नाभिक हूं तो आप समझ गए हैं, लेकिन चलिए एक प्रश्न इसका देख लेते हैं। चलिए यहां से मैंने एक प्रश्न लिखा है कि किसी त्रिभुज एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी के अंतः समद्विभाजक, कोण बी के अंतः समद्विभाजक तथा कोण सी के बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक
बिंदु P पर मिलते हैं, बिंदु P पर मिलते हैं। आगे हमने लिखा यदि शीर्ष कोण A समकोण हो तो कोण BPC का मान क्या होगा। अब बात समझना, हमने लिखा है, अब देखिए आपको इस चित्र की आवश्यकता नहीं। अब देखिए प्रश्न को आप सीधा यहां से कोरिलेट करिए, आपने इसका डेरिवेशन समझ लिया है। जैसे हमने ये लिखा कि किसी त्रिभुज ABC, जैसे ये त्रिभुज ABC है, हमने ये लिखा है, अच्छा कोण A समकोण है, फिलहाल चलिए आप ध्यान देना, ये त्रिभुज ABC है, इसमें हमने लिखा कोण B का जो अंतः समविभाजक है और ये जो कोण C है इसका जो बाह्य समविभाजक है, ये कहां पे मिलते हैं, बिंदु P पर। कोण B के जो अंतः मतलब जितना इधर होगा उतना इधर, और कोण C का जो बाह्य समविभाजक है, ये दोनों कहां पे मिलते हैं, बिंदु P पर। और शीर्ष कोण A समकोण है तो हमसे कोण BPC मतलब ये थीटा पूछा जा रहा है, तो आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। कोण जो BPC होगा वो किसके बराबर होगा, ये शीर्ष कोण A के आधे के बराबर होगा, और शीर्ष कोण A समकोण दिया है 90 का आधा सीधा, मतलब हमें हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि हमें ये प्रमेय पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप प्रश्न को देखकर ही सीधे तौर पर उत्तर कर सकते हैं। देखिए बेसिक फैक्ट में जो अभी बेसिक पार्ट चला है, इसके पहले मैंने 3-4 पॉइंट बताया था, आज एक पॉइंट मैंने ये रखा, एक पॉइंट आप अभी और समझिएगा जो बेसिक फैक्ट का है, और उसके बाद जो इसके एप्लीकेशन लेवल के प्रश्न बनते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल चलिए बेसिक पॉइंट का जो बेसिक फैक्ट है इसका मैं एक पॉइंट और यहां से अभी समझूंगा। तो सिमिलरिटीज ऑफ प्लेन लीनियर फिगर का हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है, लेक्चर दूसरा है। अच्छा अभी आप मैं बेसिक फैक्ट के अंतर्गत एक पॉइंट अभी लिख रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लिया ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी और सी। अच्छा मैं आपसे ये कह दूं कि इस त्रिभुज ए बी सी में AE लंब है BC पर, मतलब बात समझेगा, ये जो त्रिभुज आप ABC देख रहे हैं, इस त्रिभुज ABC में जो AE है वो लंब है किस पर, BC पर, तथा AD कोण A का समद्विभाजक है। AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है। तो अब बात समझिएगा, जैसे हमने लिखा कि ये जो त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC में जो AE है, AE ये लंब है किस पर, AE लंब है किस पर, BC भुजा पर, और जो AD है वो कोण A का समद्विभाजक है। एक पॉइंट और ध्यान देना, जो AD है, चलिए ये मान लिया AD है, ये कोण A का समद्विभाजक है। कौन, ये जो AD वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये AD जो देख रहे हैं, ये AD किसका समद्विभाजक है, ये कोण A का, मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। जैसे मान लिया पूरा कोण, मान लिया शीर्ष कोण A यदि हम आपसे कह दे 60 डिग्री है, तो ये पूरा इधर जो आप देख रहे हैं ये 30 इधर हो जाएगा और 30 इधर, क्योंकि जो AD वाली लाइन है ये शीर्ष कोण A को समद्विभाजित कर रही है। अब मैं आपसे ये बीच वाला कोण यदि आपसे पूछूं कि ये थीटा है तो इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इस थीटा का मान आप कैसे निकालेंगे, चलिए मैं इस पर विचार कर रहा हूं। अब ये थीटा का मान निकलेगा कैसे, हमें ये कोण पता है 90 डिग्री और ये कोण C है ये पता है, और हमें थीटा बताना है, तो आप त्रिभुज लीजिए ए ई सी, देखिए इसका डेरिवेशन समझिएगा, यहां से इसका डेरिवेशन समझिएगा, मैं त्रिभुज ए ई सी ले रहा हूं। अच्छा ए ई सी में मैं विचार क्यों कर रहा हूं,
मैं AED भी ले सकता था, आप कहेंगे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें थीटा निकालना है और थीटा कब निकलेगा, हमें देखे AEC लेते हैं तो हमें ये कोण 90 ये पता है, कोण C की जानकारी है, और ये थीटा निकालना है तो त्रिभुज AEC लेना पड़ेगा। अच्छा, इस त्रिभुज में हम सभी जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो यहां से बात समझिएगा, AE और C में ये कोण हमें पता है 90, कोण कितना है ये 90 है, और ये कोण कितना है, कोण C है, 90 प्लस कोण C, मतलब ये 90 हो गया ये कोण C, और ये जब पूरा यहां से यहां तक ज्वाइंट करेंगे तो ये तो थीटा है। एक बार समझिएगा, ये पूरा जो है आप समझिएगा, ये जो AD वाली लाइन है ये कोण A का समद्विभाजक है, मतलब इधर जो होगा वो कोण A/2 होगा, क्योंकि जो AD वाली रेखा है ये पूरे कोण A का समद्विभाजक है। तो अब ये थीटा और A/2, मतलब प्लस थीटा और प्लस कोण A/2, इन सब का योगफल कितना आएगा, 180। ये कैसे, इधर 90 हो गया A कोण हो गया, ये दूसरा कोण C है तो 90 डिग्री प्लस कोण C, और ये बीच में थीटा है और इधर कोण A का समद्विभाजक AD है, तो ये कोण A/2 हो जाएगा, तो इसका योगफल 180 है। अच्छा, एक बात आप समझिएगा, यहां से थोड़ा ध्यान देना, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। अच्छा, यदि मैं कोण A की बात करूं तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस कोण B और माइनस कोण C। अच्छा, यहां कोण A/2 है तो यदि कोण A/2 का मान निकालें तो 2 से उधर भी भाग देंगे, तो 180 में 2 से भाग करेंगे 90 हो जाएगा, कोण B में 2 से भाग करेंगे कोण B/2, और कोण C में 2 से भाग करेंगे कोण C/2, यही तो आएगा। तो अब बात समझिएगा, मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस कोण C प्लस थीटा और प्लस कोण A/2, कोण A/2 के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, कोण A/2 के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, 90 और माइनस कोण B/2 और माइनस कोण C/2, ये बराबर कितना, 180। ये मैंने कोण A/2 के स्थान पर कितना लिखा, ये। अब बात समझिएगा, ये 90 और 90 जोड़ेंगे 180 होगा, और 180 ये तो इधर निकल गया कैंसिल। अब हमें थीटा का मान बताना है, ये बीच वाला कोण हमें थीटा बताना है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक बार समझिएगा, पहले आप जितना बचा है पहले ये तो लिख लीजिए, इधर थीटा बचा है और प्लस कोण C में से कोण C/2 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, कोण C/2 और माइनस कोण B/2, उधर बराबर 0 है। अब थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस कोण B/2 उधर जाएगा तो कोण B/2 और माइनस कोण C/2, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन करेंगे तो कोण B माइनस कोण C। तो ये बात समझिएगा, अब देखिए इस प्रमेय को स्पष्ट समझिएगा, मेरे कहने का सेंस ये है कि जैसे किसी त्रिभुज ABC में ये AE लंब हो BC पर, और AD जो भुजा है ये कोण A का समद्विभाजक हो, इस पूरे कोण A का क्या हो, समद्विभाजक हो, तो ऐसी स्थिति में जो बीच वाला कोण ये थीटा होगा ये किसके बराबर होगा, हाफ कोण B माइनस कोण C। आप इतना समझिएगा, कोण B बड़ा होगा और कोण C छोटा होगा तो हाफ कोण B माइनस कोण C, और यदि कोण C बड़ा है, यदि कोण C बड़ा है और कोण B छोटा है तो ये होगा 1/2 कोण C माइनस कोण B। यदि कोण C बड़ा होगा तो ये जो AE लंब है BC पर तो ये इधर नहीं होगा, तब ये उस साइड बनेगा, बस इतना ही। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं इधर जो बीच में कोण बनेगा हाफ कोण B माइनस कोण C, मतलब कोण B और C के अंतर के आधे के बराबर होगा। अब देखिए इस पर प्रश्न बड़े प्रैक्टिकली बनते हैं, ये तो इसकी व्याख्या हो गई, अब इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, चलिए अभी एक प्रश्न मैं के स्पष्ट करा रहा हूं, चलिए इस पूरे पॉइंट को मैं इरेज कर दे रहा हूं। हमने प्रश्न ये लिखा कि किसी त्रिभुज
किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में एई लंब है बीसी पर तथा एडी कोण ए का समद्विभाजक है। एडी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है। आगे हमने लिखा यदि कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री है तथा कोण कोण ई ए डी ये बराबर 10 डिग्री है तो कोण बी और कोण सी का मान बताइए। अब देखिए हमारा ये प्रश्न है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बस पॉइंट आप समझिएगा। जैसे कोई त्रिभुज एबीसी है, हमने इसमें दिया क्या क्या है, हमने दिया है कि जो एडी है सॉरी एई है ये लंब है किस पर, बीसी पर। ये जो एई है एई ये किस पर लंब है, बीसी पर। और जो एडी है ये कोण ए का समविभाजक है, मतलब जितना इधर होगा उतना इधर होगा। और एक जानकारी दिया है कोण ई ए डी 10 डिग्री है, ई ए और डी मतलब ये बीच वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ये कितना है 10 डिग्री। हम सभी जानते हैं, अच्छा एक जानकारी ये तो दिया ही है, हम सभी जानते हैं जो कोण ई ए डी होगा वो किसके बराबर होगा, ई ए और डी मतलब बीच का जो थीटा होगा ये किसके बराबर होगा, अभी अभी आपने डेरिवेशन किया हाफ और कोण बी माइनस कोण सी, यही आपने डेरिवेशन किया ना, ये जो थीटा होगा बीच का ये किसके बराबर होगा, एक बटे दो कोण बी माइनस कोण सी, अभी भी मैंने इसका डेरिवेशन किया। तो ई ए डी पता है 10 डिग्री, तो 10 बराबर हाफ कोण बी माइनस कोण सी, अब ये दो इधर आएगा गुणा हो जाएगा तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं कोण बी माइनस कोण सी ये बराबर 20 डिग्री, एक समीकरण ये बन गया, क्योंकि दो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। और एक पहले से पता है कोण बी प्लस कोण सी ये बराबर कितना है 140, ये हमारे प्रश्न में दिया है। अब दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, अब जब इस दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये कोण सी कैंसिल हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है, तो कोण बी और कोण बी जोड़ेंगे तो 2 कोण बी बराबर 160 है, तो कोण बी बराबर कितना आ गया 80। और जब कोण बी 80 आ गया तो दोनों का योगफल 140 है, इसलिए कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 60। कोण बी और कोण सी का योगफल 140 है, तो कोण बी जब 80 हो गया तो कोण सी कितना हो जाएगा 60, यह हमारा उत्तर हो गया। तो आप इस पॉइंट को देखे रहिएगा, अभी तक जो मैंने बताया था वो बेसिक थ्योरम के प्रश्न थे। इस थ्योरम का जो स्टूडेंट देर से जुड़े हों, इस थ्योरम को एक बार शुरू से देख लीजिएगा, जो दो पॉइंट आज मैं समझा इसे समझ रहिएगा। अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो उसमें कांग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता और इसमें संबंध क्या है, कैसे प्रश्न बनते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।